मैं बात कर रहा था रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर के साथ साथ एक मैंने छोटी सी बात कही कि डेसिमल क्या होता है। 1/10, दसवां हिस्सा किसी चीज का। 1/10 आप पी ओवर क्यू जब कहते हैं तो पी भी एक इंटीजर है, टू भी एक इंटीजर है। पी और क्यू के दरमियान में कोई इंटीजर नहीं। अब दो और तीन फॉर एग्जाम्पल, दो इंटीजर है, तीन है, इनके दरमियान में आपको कोई ऐसा नंबर नहीं नजर आएगा कि जिसे आप इंटीजर कह सकें। लेकिन अगर मैं लिखूं 2.5, 2.5, इसका मतलब है ढाई, ठीक है ना? तो ढाई एपेरेंटली रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसे मैं लिख सकता हूं 5/2, बड़ी आसानी से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 0.5 का मतलब है 1/10। तो ये आ गया 2.5 की बजाय 25/10, ये तकसीम करें तो ये 5/2 हो गया। जब ये 5/2 हो गया ना, इसका मतलब है कि वी हैव टर्मिनेटेड इट, इसे हमने तब्दील कर लिया। किसमें हमने इसे तब्दील कर लिया है? पी ओवर क्यू फॉर्म में। जब ये 2.5 था तो ये ऐसा नंबर नहीं था जिसे हम रैशनल नंबर कह सकें, ठीक है ना? क्योंकि दो और तीन के दरमियान में कोई इंटीजर नहीं होता। लेकिन जब इसे 5/2 में कर लिया तो इट इज एन इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर। चनाचे वो तमाम डेसिमल जो फौरी तौर पे टर्मिनेट हो जाए, जो तब्दील हो जाए पी ओवर क्यू की फॉर्म में, उन डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर ही ट्रीट करते हैं। लेकिन वो जो नहीं तब्दील होते, जैसे मेरे पास ये एक नंबर है, दिस इज 0.456789213 एंड सो ऑन, इट कंटिन्यूस, ये चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक चल रहा है। अब ये तो टर्मिनेट नहीं हो सकता, तो क्या करूं? इसे मैं रैशनल नंबर नहीं ट्रीट करूंगा। और वो नंबर जो रैशनल के तौर पे ना लिखे जा सके, जो रैशनल के तौर पे ट्रीट ना हो सके, दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं। मैंने बड़ा क्लियर इसमें लिखा हुआ है। तो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आ गया √4, √4 जब आया आपने दो लिख दिया, लेकिन √3 आया ना, तो 3 का √ जो है दिस इज इक्वल टू 1.7, और ये आपको इंफिनिटी डेसिमल चल रहे हैं, ये खत्म ही नहीं होते। इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अच्छा, इरेशनल भी शुमार होगा। एक नंबर है 22/7, 22 पाई, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 22/7। पाई और 22/7 में फर्क है, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। इट इज एक्चुअली इरेशनल नंबर जिसके डेसिमल खत्म ही नहीं होते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो पाई इरेशनल नंबर है अप्रोक्सीमेटली 22/7 के, फॉर टू इज अवर कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, वो पूरा रैशनल नंबर नहीं है, दैट इज इरेशनल नंबर। अब दो तरह के नंबर हो गए, एक रैशनल एक इरेशनल। अच्छा, अब आप गौर देखें, आपके जितने इंटीजर है ना, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, उन सारों की सूरत आज ये है कि आप किसी के नीचे एक डाल दें, ये आपके पास है 4, 5, 6, 7, ये आप सबके नीचे 1 डाल दें, तो अब ये पी ओ और क्यू की फॉर्म में हो गए। चुनाचे सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स विद देयर डिनोमिनेटर एज 1, उनका डिनोमिनेटर से 1 होता है। अब आ जाए आगे, सारे नंबरों को हम समेट के ले आए हैं दो चीजों में, वो या रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। रैशनल डिनोटेड बाय क्यू और इरेशनल डिनोटेड बाय टी। अच्छा, एक और चीज, मैथमेटिक्स में एक हैश थोड़ी सी होती है, किसी नंबर के ऊपर हैश डाल देना,
तो वो नगेट करते हैं। अगर हम तनवीर तो डैश डाल दें, इसका मतलब है ये तनवीर नहीं है। तो बाज़ुकात हम टी यूज करते हैं, बाज़ुकात वो चूंकि रैशनल नहीं है, रैशनल को क्यू सिग्नल, क्यू के ऊपर डैश डाल दें तो दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। दोनों के लिए सेम इंडिकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दोनों नंबरों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, रैशनल और इरेशनल को अगर इकट्ठा कर दें तो एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला नंबरों का बन जाएगा। रैशनल भी शामिल होंगे, इरेशनल भी, ये सारे नंबरों का मजमू जो है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर, ऑल नंबर्स वेदर रैशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो हर नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल में हो, स्क्वायर रूट में हो, या किसी भी शक्ल में हो। अब उसके बाद एक इवन नंबर होता है, वो नंबर जो दो पे तकसीम हो जाए दैट इज इवन नंबर। ये इंटीजर्स के बारे में है, हर इंटीजर्स दो हिस्सों में आ जाते हैं, एक वो जो दो पे तकसीम होते हैं, एक वो जो वो दो पे तकसीम नहीं होते। वो इंटीजर जो दो पे तकसीम हो जाते हैं दोज आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स, और जो दो पे तकसीम नहीं होते दोज आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और ऑड इंटीजर्स को कैपिटल ओ के साथ। एक और नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने पे डिवाइड होता हो, उसे कोई दूसरा नंबर डिवाइड ना कर सके। वन तो हर एक को डिवाइड कर देता ना, वन तो दैट इज एक्सेप्शन। तो वो नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। इसी डेफिनेशन को और अंदाज से भी दे लें कि नंबर पी डिविजिबल बाई प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस पी इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने से तकसीम होता हो, उसके अलावा किसी नंबर पे तकसीम ना हो, वो प्राइम नंबर है। और वो नंबर जो दो टुकड़े में बांटा जा सकता हो, जैसे 6 या 3 जरब 2, ठीक है ना, वो 3 जरब 2 जब किया है तो दैट इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो है जो दो नंबरों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अच्छा, एक और नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 6 है, वो 3 जरब 6, जरा थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें, 16 है, वो दो पे भी तकसीम होता है, 4 पे भी होता है, 8 पे भी है, 9 है, 9 3 पे तकसीम हो जाता है। लेकिन 16 और 9 में कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वो दो पे तकसीम होता है, वो 3 पे तकसीम होता है। चुनाचे 9 और 16 का आपस में जब आप तल्लक लेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे को तकसीम नहीं करते, उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बी से दीज आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो आज मैंने जो चंद चीजें आपको बताई, मैं थोड़ा सा इसे इनवर्स प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा उल्ट। मैंने बताया था कि नंबर, सारे ही नंबर, जितने मर्जी नंबर है, दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, रियल नंबर्स, सारे नंबर दीज आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसे हम कैपिटल सा आर से डिनोट करते हैं, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल आर मैं बल्कि कागज पे, इसके बजाय ये इतना शायद क्लियर ना हो, कागज पे लिख के आपको शो कर देता हूँ कि ऑल नंबर्स, सारे के सारे नंबर, ऑल नंबर्स ये रियल नंबर्स होते हैं और इन्हें हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड दे डिनोट बाय कैपिटल आर। इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं, एक हिस्सा जो है वो रैशनल नंबर्स का होता है, दूसरा है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर डिनोट बाय क्यू, और इन्हें टी या क्यू डैश से डिनोट करते हैं। फर्क क्या है, जो क्यू डैश है या टी है, इरेशनल नंबर है, उनमें स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है या डेसिमल
खत्म नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। जो रैशनल नंबर है उनमें आपके पास कोई स्क्वेयर रूट नहीं होता, ठीक है जी, और कोई डेसिमल नहीं होता, डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। ये सिंपल सी आप बात याद रखें कि नो डेसिमल नो स्क्वेयर रूट, ये इसकी खूबी है। जो इरेशनल नंबर है वो वही खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, इरेशनल नंबर को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो रैशनल नंबर है वो फिर दो हिस्सों में आ जाता है। रैशनल नंबर जो है ना वो कौन सा होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म का, ठीक है ना। अब पी ओवर क्यू की फॉर्म में 2/3 भी है, 5/6 भी है, लेकिन अगर 6/3 हो तो 3/6 को काट देता है, 2 बच जाता है, चनाचे 2 क्या है, दिस बिकम एन इंटीजर। तो जो दो सूरतें बनती हैं, जो रैशनल नंबर है वो या तो इंटीजर होता है या नॉन इंटीजर होता है, इंटीजर नहीं होता, ठीक है जी। नॉन इंटीजर वो होता है जिसके नीचे जो क्यू होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 और एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी, पी को डिवाइड नहीं करेगा। एक लाइन डाल के ऊपर काट दें, ये लाइन आपने डाली है, ठीक है जी, और इसे काट दें, डज नॉट डिवाइड, तो क्यू डज नॉट डिवाइड पी। और इंटीजर में या तो आइदर जो q इज इक्वल टू 1 होता है या q p को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे देखें ना, ये आपके पास है 5, तो 5/1 इट इज एन इंटीजर। ये आपके पास है 10/2, ये कट गया, ये भी 5 आ गया, तो दोनों सूरतों में आपके पास एक इंटीजर आ गया। तो अब दो सूरतें हैं आपके पास के जो नंबर है वो या तो इंटीजर होगा, क्यों, कि उसका क्यू 1 है, या क्यू ने पी को काट दिया, या नॉन इंटीजर होगा। अच्छा, इंटीजर के लिए तो हम जी की टर्म यूज करते हैं, आपको पता ही है कि जी हमने यूज कर दिया, नॉन इंटीजर्स के लिए कोई टर्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर यूज करना चाहें तो उसके जी के ऊपर डैश डाल लें, जी के ऊपर सिंपल सी डैश डाल लें, जी नहीं है तो क्या हो गया, नॉन इंटीजर, यानी इंटीजर नहीं है, so it becomes a non-integer number। अब इंटीजर जो है फिर तीन हिस्सों में आ गए, ठीक है जी, कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, दीज आर थ्री थिंग्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से आपने डिनोट किया, नेगेटिव को z माइनस से डिनोट किया, और जीरो, और जीरो को अगर इसमें ऐड कर लें तो दैट इज होल नंबर, जिससे ये सिंपल आपके पास बन गई कि इंटीजर्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो गए, और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ आपने जीरो शामिल किया तो दैट बिकम्स होल नंबर। तो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर यहीं तक ही है, उसके बाद आपको जरूरत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।